बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग बड़े मज़े का होने वाला है, और जो लोग मीठे के दिलदादा हैं, मीठे के शौकीन हैं, तो उनको तो आज का मेरा व्लॉग बड़ा पसंद आएगा। अच्छा जी, इधर जो है ना वो न्यू बेकरी केक्स एंड बेक्स की जो है ना वो न्यू ब्रांच ओपन हुई है शानदार चौक से थोड़ा सा आगे जाएँ चौनी चौक की तरफ। तो हम लोग बस हस्बैंड ने कहा चलो चल के देखते हैं, विज़िट करते हैं। 20% जो है ना उधर डिस्काउंट पे लगा हुआ था, तो हम लोग गए। तो जो है ना ये फिर मैंने वीडियो भी बना ली, सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं जो जेहलम के लोग हैं, और अगर वो यहाँ से केक्स वगैरह बाकी जो बेकरी आइटम्स हैं सब पे जो है ना आल जो सारे बेकरी आइटम्स हैं वहाँ उन पे जो है ना वो 20% डिस्काउंट लगा हुआ था, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जी ये मौका है। और ये 17, 18 और 19 तीन दिन तक थे, एक तो रात को कल गुजर गया है और एक आज का दिन है और पीछे जो है ना वो एक दिन बचा है, तो लाजमी विज़िट कीजिएगा। और बड़े मज़े के इनके केक्स थे, हम ख़ुद भी लेकर आए, बाकी भी जितने बेकरी आइटम्स थे सब बड़े अच्छे लग रहे थे। और जो है ना वो लोगों का रश देख के पता चल रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों का रश था, और लोग तो नहीं दिखाए, बस आप लोगों को यहाँ पर बेकरी आइटम्स ही मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का रश था और लोग ले रहे थे। अच्छा जो है ना आप वैसे नॉर्मल केक लेते हैं तो आजकल आपको 1200 का मिल जाता है, लेकिन इन्होंने जो नॉर्मली फुल प्राइस है 2 पाउंड की मैं बात कर रही हूँ, 1 पाउंड आपको 550-600 का मिलता है नॉर्मल, जो आप किसी भी बेकरी से लेते हैं या अच्छी बेकरी से कह लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो 2 पाउंड का केक था वो अभी हम लोग लाए थे एक वीक पहले कायनात की बर्थडे पे 1100 का अजवा बेकर से, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो 2 पाउंड का केक ये दे रहे थे 800 का, और जो 1 पाउंड का था वो दे रहे थे इसी तरह 400 का। तो वैसे इनका इन्होंने अपनी प्राइस 1000 रखी है, लेकिन अभी इनका 20% डिस्काउंट चल रहा है 3 दिन के लिए, तो अगर आप लोग ये डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। वैसे बस दिल किया मेरा, इतने अच्छे और इतने प्यारे केक्स देखा तो वीडियो बना ली, और हस्बैंड ने मेरे लिए वीडियो बनाई तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं खुद भी गई थी, मैंने खुद भी विज़िट किया, और इनकी जो है ना हर चीज़ अच्छी थी। इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग थी ना कि लाइटिंग देख के मेरा दिल किया कि यहाँ पे वीडियो होनी चाहिए। वैसे कहीं भी जाओ तो लाइटिंग अच्छी होती ही नहीं है। और ये जो है ना वो जो कैरामल केक होता है वो वाला था, नट्स वाले केक थे, चॉकलेट वाला केक था, तो जो है ना बहुत कुछ था। अच्छा इसके अलावा जो है ना बाकी भी थी आपके लिए, जो पैटीज होती हैं, पिज़्ज़ा रोल्स होते हैं, सब कुछ था, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट गए थे, कोई हम लोग 10:30 बजे गए थे, तो उस वक्त ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो सेल आउट हो चुकी थी। और जो लोग स्वीट्स को पसंद करते हैं जी, मीठे के शौकीन हैं, वो ये वाला सेक्शन देखकर तो उनके मुँह में पानी आ जाएगा। और ये रसगुल्ले, जो है ना गुलाब जामुन, इसके अलावा बर्फ़ी और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ के नाम तो मुझे आते भी नहीं हैं, लेकिन मुझे, मैं पर्सनली मैं बर्फ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप लोगों को क्या पसंद, स्वीट में आप लोगों को क्या पसंद है जो है ना वो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। और कुछ लोग ये भी पसंद करते हैं, ये जो येलो वाले होते हैं इनका तो मुझे नाम ही नहीं आता। हाँ जी, ये मोतीचूर के लड्डू, तो बस आप लोग देख लें और इन्जॉय करें मेरे साथ।
अच्छा जी, इधर स्लैश बन रही थी तो फिर हमने सोचा कि कैनात के लिए स्लैश ले लेते हैं, उनसे काफ़ी पसंद है बेसिकली। तो बस ही मेरा वो ये था कि आधा घंटा इधर वेट करना पड़ा। अच्छा जी, ये था आज का मेरा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैंने सोचा कि थोड़ी डिफरेंट वीडियो बनानी चाहिए, क्या रोज़ रेगुलर एक्टिविटीज़ वही बंदा दिखाए तो आप लोग भी बोर ना हों। और बस मैं गई थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने वीडियो बना ली। और अगर आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।